दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। इनकम टैक्स के आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम्स के बारे में। एग्रीगेशन ऑफ इनकम्स के अंडर में हमारा ये टॉपिक आता है और इसके साथ में एक और मेन टॉपिक आपको देखने को मिलता है जो कि होता है डीम्ड इनकम्स, तो उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर सिर्फ बात करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम्स की। देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम्स के बारे में हम लोग पढ़ें उसके पहले ये समझ लेते हैं कि एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 5 पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से 5 इनकम्स के बारे में आपको यहाँ पर बताए गए हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है टोटल करना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बोला टू फाइंड आउट द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, द फॉलोइंग इनकम्स आर एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड का मतलब टोटल कर देना। तो फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर बोल रहा है इनकम ऑफ द एसएससी अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम में हमारे पास में आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, एक होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एक होता है कैपिटल गेन और एक होता है लास्ट में अदर सोर्सेज। तो ये जो 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं इनको जब आप टोटल करते हो तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलती है, उसमें से फिर आप डिडक्शन लेस करते हो, फिर आपको मिलती है टोटल इनकम और इस टोटल इनकम पे आप टैक्स का कंप्यूटेशन करते हो। लेकिन क्या होता है कि जो 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं इनके अलावा भी कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि आपको अपनी इनकम में ऐड करनी पड़ती है या फिर उनपे आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से एग्रीगेशन ऑफ इनकम। अब देखिए ये जो 5 हेड है ये मैंने ऑलरेडी आपके कवर करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट का, उसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखें तो सेकेंड पॉइंट में बोला इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ द असेसी। तो जब किसी और पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लबिंग ऑफ इनकम्स, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में एक पॉइंट आता है यहाँ पर डीम्ड इनकम्स का। डीम्ड इनकम्स ऐसी इनकम होती है जो कि एक्चुअल में इनकम के फॉर्म में नहीं होती, वो ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं या फिर ऐसे एक्सपेंडिचर कुछ हो सकते हैं जो इनकम के फॉर्म में नहीं है लेकिन हम उनको इनकम कंसिडर कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड इनकम्स। इसके बाद आता है शेयर ऑफ अ मेंबर इन एओपी और बीओआई और लास्ट में इनकम फ्रॉम द फर्म। तो ये सारी की सारी जो इनकम्स आपको बताई गई हैं इनको टोटल करना ही हमारा क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम होता है। अब यहां पर देखिए मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब आपको बता दी कि क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, जब किसी और पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो ये क्यों किया जाता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है हस्बैंड, ठीक है, ये है हस्बैंड, हस्बैंड की इनकम है 9.5 लाख, 9,50,000 रुपए इनकी इनकम है, और ये है इनकी वाइफ, ठीक है, ये इनकी वाइफ है, इनकी इनकम है 50,000 रुपीज। अब क्या हुआ कि एक इनकम इनको मिस, ये जो हस्बैंड थे इनको रिसीव होने वाली थी, हस्बैंड को 1 लाख रुपए की इनकम और रिसीव होने वाली थी, 9,50,000 रुपए इनकी पहले से थी, 1 लाख रुपए की इनकम फिर से इनको होने वाली थी, तो इसके बाद इनकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल इनकम यहां पर हो जाएगी 10,50,000 रुपए, ठीक है, 10.5 लाख रुपीज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 9.5 लाख जब इनकी इनकम थी तो ये फॉल कर रहे थे 20% के स्लैब में, लेकिन अगर 1 लाख की इनकम इनको रिसीव हो जाती तो फिर किस में फॉल करते, तब ये फॉल करते 30% वाले स्लैब में। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम से इनका पूरा का पूरा स्लैब ही चेंज हो गया। तो ये क्या कर सकते हैं, ये या तो ये 1 लाख रुपए या तो ये जिस असेट से हो रहा है इनको उस असेट को अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दें। तो अब ये इनकम अगर वाइफ की इनकम में जुड़ गई, ठीक है, तो इनकी इनकम कितनी हो गई, 1.5 लाख हो गई। लेकिन ये जो 1.5 लाख है इस पर वाइफ को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है, 2.5 लाख की होती है। तो 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो 1.5 लाख में वाइफ तो यहाँ पर टैक्स से बच जाएंगी, कोई भी टैक्स इनको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर इनका भी स्लैब चेंज होने से बच गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन्होंने अपना पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पर सेव कर दिया। लेकिन क्या करती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ऐसा अलाउ नहीं करती, तो ये क्या होगा, 1 लाख रुपए इनकी हस्बैंड की इनकम है वापस इंक्लूड कर दिया जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो टैक्स की शिफ्टिंग आप कर रहे हो, ठीक है, टैक्स आप अपने एक तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि लीगल है, लीगल होता है, लेकिन अगर आप टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो इस तरीके से तो आपकी इनकम में वो इनकम वापस से इंक्लूड कर दी जाएगी, उसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। ये थ्योरी है, ये आप अपने आप से पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए ये चीज बोल रहे हैं एज पर सेक्शन 60 टू सेक्शन 65। अब देखिए जो सेक्शन 60 और सेक्शन 65 है इसके अंडर ही हमारा पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम कवर होता है। मतलब इसके अंडर में आपको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन बताए गए हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि केसेस बताए गए हैं जहां पर अदर पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा,
तो ये पूरा का पूरा जो केसेस हैं आपके कवर होते हैं सेक्शन 60 से लेकर के सेक्शन 65 के बीच में। यहां पर बोल रहे हैं व्हेन एन एसेसी ट्राइज टू शिफ्ट हिज इनकम लीगली व्हिच इन फैक्ट बिलोंग्स टू हिम टू सम अदर पर्सन द इनकम ऑफ अदर पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, दिस इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। तो यहां पर हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसका रीजन भी समझ लिया। अब कौन कौन से केसेस में आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम होगी, यहां पर आपको सारे केसेस दिए हैं, एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट में यहां पर दिया हुआ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स, इनकम ऑफ स्पाउस, ठीक है, इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ, इनकम फ्रॉम बिजनेस, माइनर चाइल्ड, ठीक है, बेनामी ट्रांजेक्शन। तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहां पर अगर पहला पॉइंट आप देखेंगे तो ये बोला है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। तो यहां पर क्या क्या असेसी ने अपनी इनकम जो थी उसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो इनकम जिस असेट से जनरेट होकर के आ रही थी उस असेट को ट्रांसफर ही नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा, जो भी इनकम है वो वापस से असेसी की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि मिस्टर ए थे, ठीक है, मिस्टर ए के पास में एक मशीन थी, उस मशीन से वो इनकम जनरेट करते थे। ये मशीन इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को जो कि इनके फ्रेंड थे उनको दे दिया, ठीक है, उनके पास में उनको दे दिया, ऐसा नहीं कि उनको ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर ट्रांसफर का जो मतलब है वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, मतलब आपने उस पर्सन को उस असेट का ओनर ही बना दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने असेट का ओनर मिस्टर बी को नहीं बनाया था, इन्होंने कुछ दिन के लिए उसको दे दिया था। तो क्या हुआ कि जो इनकम यहां से जनरेट होकर के आ रही थी वो अब किसके पास में जाएगी, मिस्टर बी के पास में जाएगी, लेकिन ये मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, ये इनकम वापस से इंक्लूड कर दी जाएगी किसकी इनकम में, मिस्टर ए की इनकम है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ट्रांसफर असेट नहीं किया था, असेट का ट्रांसफर ना करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इनकम ही ट्रांसफर कर दी। तो इस केस में क्या होगा, इनकम वापस इंक्लूड कर दी जाएगी उस ट्रांसफरर की इनकम में, ठीक है, उस मतलब ये जो मिस्टर ए है इनकी इनकम में। इसी फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास में सेकेंड पॉइंट आता है जो कि बोलता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स। अब देखें जो ये पहला वाला पॉइंट था, इस पहले वाले पॉइंट में इनकम को ट्रांसफर किया गया था लेकिन असेट जो था उसको ट्रांसफर नहीं किया गया था, लेकिन सेकेंड पॉइंट यहां पर जो है ये बोल रहा है कि ट्रांसफर इस बार असेट का भी कर दिया गया है, लेकिन ये जो ट्रांसफर है कौन सा है, ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल का मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि कैंसिल कर देना, जो ट्रांसफर हमने किया है उसको कैंसिल कर देना। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर तो किया सेट, लेकिन इसमें एक क्लॉज डाल दिया, एक प्रोविजन डाल दिया। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको रिवोकेबल ट्रांसफर की मीनिंग बताई गई है सेक्शन 63 के अंदर में। दो पॉइंट इसके अंदर में कवर होते हैं, एक पॉइंट पहला हमसे बोला है प्रोविजन फॉर द री ट्रांसफर और दूसरा पॉइंट बोला है राइट टू री अज्यूम द पावर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर तो किया सेट, लेकिन उसमें दो कंडीशन डाल सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि री ट्रांसफर होगा, ठीक है, मतलब इन्होंने ये कहा कि अभी तो हम तुमको ट्रांसफर कर दे रहे हैं लेकिन एक साल के बाद ये असेट हमको वापस से तुम ट्रांसफर करोगे, मतलब हमको वापस से बेच दोगे। तो ये क्या हुआ, री ट्रांसफर का हुआ। दूसरा जो इसमें पॉइंट है ये हमसे बोल रहा है कि इनके पास में मिस्टर ए के पास में जो कि क्या है, ट्रांसफेरर है, और बी क्या है, ट्रांसफेरी है। ए ट्रांसफेरर और बी ट्रांसफेरी, तो ट्रांसफेरर के पास में ये राइट है कि वो जब चाहे तब वो अपना पावर जो है वो इस पे अज्यूम कर सकता, मतलब इस असेट को वापस से टेक ओवर कर सकता है वो जब भी चाहे। तो दो कंडीशन हमने देखी, पहले वाले पॉइंट में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में वो असेट वापस से ट्रांसफर हो जाने वाला था मिस्टर ए को, यानी कि जो ओरिजिनल ट्रांसफरर थे, और दूसरे केस में इनके मिस्टर ए के पास में एक ऐसी पावर थी तो ये जब चाहे अपना ये असेट पे या फिर उस असेट से होने वाली इनकम पे अपना जो राइट है वो अपना जो पावर है वो रीअज्यूम कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई भी केस होगा तो उसको हम बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। और अगर कभी भी रिवोकेबल ट्रांसफर होगा तो उस केस में भी आपने चाहे असेट को ट्रांसफर कर दिया हो, जैसे यहां पर मैंने आपसे बोला ना फर्स्ट वाले केस में इनकम ट्रांसफर करी गई थी, असेट ट्रांसफर नहीं किया गया था, सेकेंड वाले पॉइंट में ट्रांसफर तो किया गया लेकिन रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ, तो अगर रिवोकेबल ट्रांसफर होता है तो उस केस में भी जो इनकम है वो ट्रांसफरर की यानी कि असेसी की इनकम में वापस से इंक्लूड कर दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा रिवोकेबल ट्रांसफर। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो सेक्शन 61 होता है इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो एक्सेप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। यहां पर फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये बोला प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ अ ट्रांसफर। दो पॉइंट्स इसके अंदर है, पहला पॉइंट अगर आप देखें तो बोल रहे बाय वे ऑफ ट्रस्ट व्हिच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, इन केस ऑफ एनी अदर ट्रांसफर व्हिच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। तो यहां पर क्या है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर तो किया लेकिन ये जो ट्रांसफर था एक तरीके से अगर आप कह लो रिवोकेबल ट्रांसफर भी था, लेकिन ये रिवोक कब होगा, इनकी लाइफ
होने के बाद, यानी कि लाइफ टाइम तक मिस्टर बी की, जब तक ये जिंदा है तब तक ये असेट मिस्टर बी के पास ही रहेगा, ठीक है। उनके मरने के बाद हो सकता है कि किसी और को वापस से मिस्टर ए को ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मिस्टर बी जब तक जिंदा है, जब तक उनकी लाइफ है, तब तक के ये असेट मिस्टर बी यानी कि ट्रांसफरी के पास ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इररिवोकेबल ट्रांसफर एक तरीके का। तो यहाँ पर सेक्शन 61 अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि इस असेट को जो ट्रांसफर किया गया है, जिसकी इनकम मिस्टर बी को मिल रही है, वो इनकम मिस्टर बी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, ना कि मिस्टर ए के हाथ में। अब बात समझे। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट हमको दिया गया है, द ट्रांसफर इज मेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1961 विच इज नॉट रिवोकेबल फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरर डिराइव्स नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम इन आइदर केस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन में हम लोगों ने दो केसेस देखे। पहला केस जो था वो बोला है ट्रस्ट के बारे में, ठीक है, और दूसरा हमारा फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1961। खैर ये वाला पॉइंट इतना ज्यादा रेलिवेंट हमारे लिए नहीं है, इस वाले पॉइंट को, फर्स्ट वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रस्ट और दूसरे अदर केसेस की बात की गई है। ट्रस्ट के केस में कुछ डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर बस बेनिफिशियरी होगा, कि यानी कि मान लीजिए कि ट्रस्ट ने अगर ट्रांसफर किया बेनिफिशियरी को, और ये बेनिफिशियरी के पूरे लाइफ टाइम तक ये असेट उसके पास में रहने वाला है। एक बार लाइफ इसकी खत्म होगी, इसके बाद में असेट अगर ट्रस्ट को वापस से ट्रांसफर हो भी जाता है तो भी हमें उससे मतलब नहीं, तब ये रिवोकेबल ट्रांसफर में काउंट नहीं होगा। या फिर अगर मान लीजिए कि जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब ट्रांसफर किया, तो उसमें क्लॉज तो डाला था उन्होंने रिट्रांसफर का, लेकिन ये ट्रांसफर मिस्टर बी की लाइफ खत्म होने के बाद रिट्रांसफर होगा, तो इसको भी हम लोग एक तरीके से इरिवोकेबल ट्रांसफर कंसीडर करेंगे, यानी कि यहाँ पर सेक्शन 61 अप्लाई नहीं होगा। और अगर सेक्शन 61 अप्लाई नहीं हुआ तो असेसी की इनकम में अदर पर्सन की इनकम इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हमको जो दिया गया वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, मतलब ये जो ऊपर आपने फर्स्ट पॉइंट में एक्सेप्शन देखा, इसका भी एक्सेप्शन है ये सेकेंड पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। नॉट विदस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो इस सबसेक्शन ने बोला, सबसेक्शन 1 ने, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। तो ये बोल रहा है ऑल द इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाई वर्च्यू ऑफ एनी सच ट्रांसफर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर यानी कि ट्रस्ट की इनकम है और जो ट्रांसफरर था ओरिजिनल उसकी इनकम है, एज एंड वेन द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर अराइजेज। आप बात समझे, मैंने अभी आपसे ऊपर फर्स्ट पॉइंट में बोला कि ए ने ट्रांसफर किया बी को, अभी असेट बी के पास पूरी लाइफ रहने वाला है, उसके मरने के बाद फिर से हो सकता है ये रिट्रांसफर हो जाए, तो इस केस में हम इसको इरिवोकेबल ट्रांसफर कंसीडर करेंगे और ये सेक्शन 61 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कभी भी अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ए के पास में पावर आ जाए कि ये रिवोक कर ले इस ट्रांसफर को, ठीक है, इस ट्रांसफर को ही रिवोक कर ले, मतलब ये असेट को अपने पास में वापस बुला ले, तो जैसे ही ये कंडीशन या ये प्रोविजन या ये सिचुएशन ऐसी अगर आती है, तो उस टाइम पे यहां पर वापस से क्लबिंग ऑफ इनकम काउंट होने लगेगा, यानी कि यहां पर सेक्शन 61 वापस से अप्लाई हो जाएगा और जो इनकम बी को हो रही थी, जिस जो बी के में टैक्सेबल हो रही थी, वो अब किसके में वापस इंक्लूड हो जाएगी, मिस्टर ए के में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो सबसेक्शन 2 है ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। यहाँ पर पॉइंट 3 में हमारे पास में इनकम ऑफ स्पाउस। अब इनकम ऑफ स्पाउस देखिए दो तरीके के केसेस में बटा हुआ, एक है केस ए और दूसरा होता है केस बी। केस ए हमको यहाँ पर दिया गया है और केस बी हमारे पास में यहाँ पर है। सबसे पहले केस ए को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए फर्स्ट इसमें ए में बोल रहे हैं इनकम ऑफ द स्पाउस बाई वे ऑफ सैलरी कमीशन फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच सच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए स्पाउस का मतलब आप समझो हस्बैंड या फिर वाइफ, तो हस्बैंड अगर है तो उसके लिए वाइफ उसकी क्या हुई, स्पाउस हुई, और वाइफ अगर है तो उसके लिए उसका स्पाउस क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि ये हस्बैंड है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, फर्म है, आप कुछ भी मान लीजिए, और ये इनकी वाइफ है, ये हो गए हस्बैंड और ये हो गई वाइफ और ये हो गई कंपनी। जो हस्बैंड है उनका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब अगर कंपनी आप ले रहे हो तो इसका मतलब होता है कि जो हस्बैंड है उनके पास में इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट्स। ठीक है, अगर हस्बैंड के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस कंपनी का, तो इसका मतलब इनके पास में क्या है, 20% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट है इस कंपनी के अंदर में। और अगर मान लीजिए कि फर्म होती या फिर कोई और अदर केसेस है, तो उसमें क्या है कि 20% प्रॉफिट या उससे ज्यादा के मालिक वो हस्बैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो दो केसेस हुए, अगर कंपनी है तो एटलीस्ट उनके पास में 20% वोटिंग राइट होने चाहिए, और अगर दूसरा कोई केस है तो उसमें 20% या उससे ज्यादा एटलीस्ट 20% उनके पास में प्रॉफिट के शेयर होने चाहिए।
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि हस्बैंड जो थे उनका इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। अब क्या हुआ, ये कंपनी में वाइफ भी काम करेगी, वाइफ को यहां पर कोई भी तरीके की रेम्यूनरेशन, किसी तरीके की सैलरी, फीस या फिर कोई भी कमीशन अगर मिल रहा है इस कंपनी से जिसमें इनके हस्बैंड का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ये रेम्यूनरेशन, सैलरी, फीस, कमीशन क्या की जाएगी, ये वापस से इनके हस्बैंड की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है, यहां पर आप समझ गए कि अगर स्पाउस, अब यही चीज वाइफ के लिए भी लागू होती है कि अगर वाइफ, मान लीजिए वाइफ के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस कंपनी का और यहाँ पर हस्बैंड जो है उनको किसी तरीके की सैलरी, कमीशन, फीस या फिर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो क्या होगा कि जो भी कमीशन या सैलरी इनको मिल रही है हस्बैंड को, वो वापस से वाइफ की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, देखिए एक्सेप्शन यहाँ पर बोला है, पेमेंट इज प्योरली ड्यू टू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर जो पेमेंट वाइफ को किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन हो गया, फीस, रेमुनरेशन, कोई भी तरीके का, तो वहां पर वो उनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वाइफ के पास में कोई टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी। जैसे मान लीजिए कि वाइफ लॉयर थी और वो अपनी सर्विसेज दे रही उस कंपनी को, तो उस केस में इंक्लूड नहीं की जाएगी क्योंकि वो किस लिए मिल रहा है, वो उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रहा है। या फिर अगर मान लीजिए कि वाइफ जो है वो सीए है, उनको ऑडिट के लिए बुलाया गया, तो इस तरीके की अगर कोई टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर उस स्पाउस के पास में है और उसकी वजह से उसको वो सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, फीस मिल रही है, तब यहाँ पर क्लबिंग ऑफ इनकम काम नहीं करेगा। तब वो जो इनकम होगी वो उसी उसकी होगी, स्पाउस की, मतलब वाइफ की यहाँ पर इनकम होगी, ना कि हस्बैंड की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा उसको। इसके बाद सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हम लोगों ने समझ लिया। आप चलते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी यहाँ पर बोल रहा है, इन इफ एन असेट एक्सक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाई एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नाइदर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन नॉर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, द इनकम फ्रॉम सच एन असेट टू द स्पाउस विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। जैसे कि अभी हम लोगों ने हस्बैंड और वाइफ वाला केस लिया था, ठीक है, मान लीजिए कि हस्बैंड जो है वो कोई भी तरीके का असेट अपनी वाइफ को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं है। तो हस्बैंड ने क्या किया, कोई भी असेट यहाँ पर वाइफ को ट्रांसफर किया, लेकिन ये जो असेट उन्होंने ट्रांसफर किया था ये उन्होंने एडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर नहीं किया था। जैसे मान लीजिए कि असेट की जो वैल्यू थी वो एक्चुअल वैल्यू थी 10 लाख रुपए, लेकिन इन्होंने 2 ही लाख रुपए में उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पर या तो ये हो कि एडिक्वेट कंसिडरेशन भी ना लियो इन्होंने, दूसरा इन्होंने इसलिए ट्रांसफर ना किया हो क्योंकि ये क्या था, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट था। जैसे आप जानते हो कि जब डाइवोर्स होता है तो वहां पर एलिमनी मिलती है, तो इसलिए भी नहीं था कि वहां पर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट की वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। तो दो केसेस हुए, ना तो एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए उन्होंने ट्रांसफर किया है, ना ही उन्होंने एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट की वजह से उन्होंने ट्रांसफर किया है, उनकी मर्जी थी, उन्होंने ऐसे ही उठा करके ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जो भी उस असेट से इनकम हो रही वाइफ को वो उनके वापस से हस्बैंड के में इंक्लूड कर दी जाएगी। यही सेम चीज होती है हस्बैंड के साथ में, कि अगर हस्बैंड को वाइफ ने ट्रांसफर किया है तो हस्बैंड की इनकम जो है वाइफ के उसमें इनकम इंक्लूड कर दी जाएगी। तो ये चीज आपको बस देखनी पड़ेगी कि किसमें है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्पाउस के केस में, तो स्पाउस में हस्बैंड और वाइफ दोनों आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोले, ट्रांसफर ऑफ असेट टू अदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस। जैसे यहाँ पर जो बी पॉइंट हमारा था, इस बी पॉइंट में हस्बैंड ने क्या किया था, डायरेक्टली अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया था, या फिर वाइफ ने डायरेक्टली अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा कि जो असेट से होने वाली इनकम है वो उसके स्पाउस में वापस से इंक्लूड कर दी जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में ट्रांसफर ऑफ असेट टू अदर पर्सन, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये वाले पॉइंट में जो हस्बैंड थे उन्होंने डायरेक्टली अपनी वाइफ को ट्रांसफर ना करके या तो किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर किसी अदर पर्सन को यहाँ पर असेट ट्रांसफर किया और कहा कि जो भी इनकम इस असेट से होगी वो मेरे स्पाउस को दे देना, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ असेट टू अदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस। तो यहाँ पर वही सेम केस है कि जो असेट इन्होंने ट्रांसफर किया वो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए किया था, और यहाँ पर जो बेनिफिट्स इनको मिले थे वो इमीडिएट बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, डिफर्ड बेनिफिट भी हो सकते हैं। इमीडिएट का मतलब कि लमसम एक ही साथ में पूरा का पूरा बेनिफिट उनके स्पाउस को मिल जाएगा। डिफर्ड बेनिफिट का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में एक तरीके से उनके स्पाउस को बेनिफिट मिलेगा उस असेट से। तो इसमें भी यही चीज होगी कि जो इनकम वाइफ को यहाँ पर मिल रही है या फिर हस्बैंड को मिल रही है वो वापस से ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बोली, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स असेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू सम अदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द इमीडिएट और डिफर्ड बेनिफिट ऑफ हिज और हर स्पाउस, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच असेट टू दैट पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस। तो जितना भी बेनिफिट मिल रहा है स्पाउस को उतना ही इनकम
उतनी ही वैल्यू वहां पर एसएससी की या जो ट्रांसफर है उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में आता है जो कि बोला है इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोला इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर असेट्स आफ्टर 31 मई 1973, तो ये तो अब होगा ही होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि 31 मई 1973 के बाद ही की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में हम लोग अब हैं। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज डॉटर इन लॉ सन्स वाइफ। ठीक है, तो ये तो पता ही है सन्स वाइफ होती है डॉटर इन लॉ। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच असेट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो जैसे मान लीजिए कि ये फादर इन लॉ थे, ठीक है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर थे, तो फादर इन लॉ ने क्या किया कि जो कोई असेट था उसको ट्रांसफर कर दिया किसको, अपनी डॉटर इन लॉ को यानी कि बहू को। तो अपनी बहू को फादर इन लॉ ने क्या किया कि कोई असेट ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। वही वाला कैसे कि 10 लाख रुपए का असेट था और 2 लाख रुपए में यहाँ पर ट्रांसफर उन्होंने कर दिया, तो ये क्या है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। 10 लाख का असेट 2 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया बहू को, तो अब बहू को जो भी इनकम होगी वो इनकम वापस से फादर इन लॉ की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। अब यहां पर फादर इन लॉ भी हो सकता है और मदर इन लॉ भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के लिए ही वो डॉटर इन लॉ होती है। इसी से मिलता जुलता केस हमारे पास में सिक्स्थ पॉइंट है। जैसे वो स्पाउस वाले केस में हम लोगों ने देखा था, सेम यहां पर भी है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या क्या, फादर इन लॉ ने डायरेक्टली एसेट ट्रांसफर किया था किसको, बहू को। यहां पर क्या है, यहां पर जो फादर इन लॉ है, ठीक है, जो फादर इन लॉ है वो क्या कर रहे हैं, यहां पर बहू को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को या फिर किसी अदर पर्सन को उन्होंने ट्रांसफर किया और कहा कि जो इनकम होगी या फिर जो भी बेनिफिट होंगे वो मेरी बहू को दे देना। और ये जो इन्होंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर अदर पर्सन को ट्रांसफर किया था वो एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए नहीं किया था, यानी कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन थी। 10 लाख रुपए का असेट 2 लाख रुपए में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया और कहा कि जो भी बेनिफिट हो रहा है वो मेरी बहू को दे देना। तो इस केस में भी वही होगा कि जितना भी बेनिफिट यहाँ पर बहू को मिल रहा है वो पूरा का पूरा किसकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, फादर इन लॉ की इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। और ये जो बेनिफिट है ये इमीडिएट भी हो सकता है और डिफर्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया इमीडिएट का मतलब पूरा का पूरा लमसम में एक बार, डिफर्ड का मतलब इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर बस इनडायरेक्ट ट्रांसफर एक तरीके से हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है सेवेंथ पॉइंट, जो कि बोल रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट थर्ड एंड पॉइंट फोर्थ जो कि किसका था, स्पाउस वाला, इसके साथ में पॉइंट फाइव एंड पॉइंट सिक्स जो कि बहू वाला केस था। ठीक है, डॉटर इन लॉ वाला जो पॉइंट्स थे हमारे, इन दोनों को मर्ज करके बनाता है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है किसी असेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस और सन्स वाइफ, स्पाउस वाला ये हो गया और सन्स वाइफ वाला ये हो गया, ठीक है, बहू वाला, एंड सच असेट्स आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरिंग, तो वो असेट जो रिसीव हुआ है स्पाउस को या फिर बहू को उसको उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया किसमें, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो इनकम होगी, जैसे हमने बात करी कि इंडिविजुअल ने असेट ट्रांसफर किया था अपने स्पाउस को या फिर सन की वाइफ को, बहू को, और ये असेट उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किसमें, बिजनेस में। अब सीधी सी बात है, जब बिजनेस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इनको कोई ना कोई तरीके का रिटर्न या फिर इनकम रिसीव होगा। तो जो इनकम या रिटर्न इनको रिसीव हो रहा है वो इनकम या रिटर्न इसकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ट्रांसफरर की इनकम है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल उनको ट्रांसफर कर रहा है जिसको हम ट्रांसफरर बोले उसकी इनकम में ये इनकम इंक्लूड कर दी जाएगी। लेकिन बात यहां पर आती है कि इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो इनकम को कैलकुलेट करने के देखिए दो तरीके यहां पर बताए इन्होंने। पहला जो पॉइंट है वो हमसे बोल रहा है इन अ बिजनेस बट नॉट एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि यहां पर जो स्पाउस और जो बहू थी उसने बिजनेस में इन्वेस्ट तो किया लेकिन एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एज अ पार्टनर या फिर एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो अमाउंट या जो इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, जो प्रपोर्शन यानी कि इसके ट्रांसफरर की इनकम इंक्लूड हो रहा है वो किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, उसका फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने दिया है। वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफरर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाई द प्रॉफिट शेयर ऑफ द ट्रांसफरिंग फ्रॉम द बिजनेस डिवाइडेड बाई द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर बाय द ट्रांसफरिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि जो ट्रांसफरर था उसने 1 लाख रुपए का असेट, ठीक है, 1 लाख रुपए का असेट अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया और ये 1 लाख रुपए का असेट स्पाउस ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और ये 1 लाख रुपए के साथ में अपना भी 1 लाख डाल दिया, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी कितनी है बिजनेस में, 2 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है इनकी। अब यहां पर क्या हुआ कि जो बिजनेस था उसको प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट में से 40,000 रुपए इनका स्पाउस का शेयर बना। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो 40,000 रुपए स्पाउस को रिसीव हुए हैं उसमें कितना पैसा ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, तो इसके लिए यहां पर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफरर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि क्या
1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय द प्रॉफिट शेयर ऑफ द ट्रांसफरी फ्रॉम द बिजनेस। तो द प्रॉफिट शेयर ऑफ द ट्रांसफरी फ्रॉम द बिजनेस कितना है? 40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी कितनी है? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए से आप डिवाइड कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? ये एक, ये और ये, यानी कि 20,000 रुपीज। तो मतलब 40,000 रुपए जो स्पाउस को रिसीव हुए, उस 40,000 रुपए में से 20,000 रुपए किसकी इनकम में इंक्लूड कर दी जाएंगे? ट्रांसफरर की इनकम में, ठीक है। और जो 20,000 रुपए है बचा हुआ, वो स्पाउस की इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह ना दे करके एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह दिया गया हो, अगर वो पार्टनर है, वो स्पाउस या फिर वो जो बहू है, वो किसी फर्म में अगर पार्टनर के तौर पे है, तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट ये रिसीव करेंगे, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो होगा, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट, वो किसकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा? ट्रांसफरर की इनकम में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 8 पॉइंट, जो कि बोला इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड का मतलब जो कि 18 साल से कम होते हैं। द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग अ माइनर मैरिड डॉटर शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट। तो यहां पर क्या है, माइनर चाइल्ड की कोई भी तरीके की अगर इनकम हो रही है, तो वो इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में अगर पहला पॉइंट आप देखेंगे, फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड है अगर वो माइनर चाइल्ड, और उसको कोई भी तरीके की इनकम हो रही है, तब उस केस में उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट यहां पर बोल रहा है इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क। तो अगर जो माइनर चाइल्ड है वो किसी तरीके का मैनुअल वर्क कर रहा है, तब भी उस केस में उसकी जो भी इनकम है, वो उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहां पर बोल रहा है कि अगर कोई भी तरीके की इनकम उस माइनर चाइल्ड को हो रही है ड्यू टू हिज स्किल टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उस केस में भी जो भी इनकम उस माइनर चाइल्ड को हो रही है, उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये तीन हमारे एक्सेप्शन है जिनमें माइनर चाइल्ड की इनकम को उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा कोई भी तरीके की इनकम अगर हो रही माइनर चाइल्ड को, तो उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि पेरेंट्स में तो दोनों आते हैं, मदर भी आती है, फादर भी आते हैं, तो किसकी इनकम में इंक्लूड हम लोग करेंगे? मदर के में करेंगे कि फादर के में करेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये जो है, इसमें दो पॉइंट आते हैं। अगर जो उनकी शादी है, मतलब जो मैरिज है उनके उसके पेरेंट्स की, अगर वो सब्सिस्ट कर रही है, मतलब अभी भी वो शादीशुदा है उसके पेरेंट्स, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी पेरेंट की टोटल इनकम ज्यादा होगी, ठीक है, जिस भी पेरेंट की टोटल इनकम मदर और फादर में से ज्यादा होगी, उसकी इनकम में उस माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मदर की इनकम थी 4 लाख रुपए और फादर की इनकम थी 6 लाख रुपए, तो यहां पर क्या होगा कि 6 लाख रुपए जो फादर की इनकम है, इनकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा माइनर चाइल्ड की इनकम को, ठीक है, अगर इनके बीच में शादी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इन्होंने तलाक अभी नहीं लिया है। दूसरा पॉइंट हमसे बोल रहा है कि वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स डज नॉट सब्सिस्ट, मतलब इन लोगों ने डाइवोर्स एक तरीके से ले लिया है, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर कस्टडी मिलती है उसको, पेरेंट्स को। तो जिस भी पेरेंट को कस्टडी मिलेगी, जो भी पेरेंट उस माइनर चाइल्ड को मेंटेन करेगा, उसकी इनकम में वहां पर उस माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको माइनर चाइल्ड में और थोड़ा सा बताया गया कि माइनर चाइल्ड इंक्लूड्स अ स्टेप चाइल्ड एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड। तो स्टेप चाइल्ड यानी कि सौतेला बच्चा भी, और अडॉप्ट अगर आप कर रहे हो, तो उस केस में भी उसको भी माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन में ही हम लोग काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बेनिफिट भी रहता है, जो कि हमको मिलता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। मतलब जिस भी पेरेंट की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड किया गया था, जैसे अभी हम लोगों ने केस लिया यहाँ पर कि फादर की इनकम 6 लाख रुपए थी, इस फादर की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो फादर है, इनको एक तरीके की एग्जेम्पशन भी मिलती है, अगर इनकी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, तो उस केस में फादर को एग्जेम्पशन भी मिलती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। एग्जेम्पशन कितनी होगी? इनकम सो इंक्लूडेड और 1500 पर माइनर चाइल्ड विच एवर इज लेस, 1500 रुपए, या फिर जो इनकम इंक्लूड की गई है पर माइनर चाइल्ड, मतलब अगर दो माइनर चाइल्ड है तो 1500 1500, 3000 रुपए, तीन है तो फिर 4500 रुपए, तो या तो इनकम इंक्लूड की गई वो, या फिर 1500 रुपए। जैसे मान लीजिए कि जो इनकम इंक्लूड की गई थी वो 2200 रुपीज थी और 1500 रुपए ये है, तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसकी एग्जेम्पशन उनको वहां पर मिल जाएगी। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि इतना पोर्शन एग्जेम्प्ट हो गया, बाकी का जो है वो टैक्सेबल यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 9th पॉइंट। 9th पॉइंट हमसे क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ अ सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ विच ही इज अ मेंबर और कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्सन था, ठीक
ये मेंबर था एक एचयूएफ का, ये एक मेंबर था एचयूएफ का। इसने क्या किया कि एक लैंड अपने पैसों से एक्वायर किया और इस लैंड को इसने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कि 10 लाख रुपए की लैंड की वैल्यू थी और 2 लाख रुपए में इसने एचयूएफ को वो लैंड ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा कि जो भी एचयूएफ को इनकम हो रही इस लैंड से, वो इनकम वापस एक क्लब कर दी जाएगी इस मेंबर की इनकम में, और ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि जो भी एक मेंबर अपने एचयूएफ से रिसीव करता है उसकी इनकम के शेयर में, वो पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये जो पैसा इसने इसकी इनकम में क्लब किया गया है, ये यहां पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्लबिंग ऑफ इनकम के थ्रू आ रहा है। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पैरा है जो इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है। जैसे यहां पर क्या है कि यहां पर हमने अभी देखा कि इस मेंबर ने, ठीक है, इस मेंबर ने अपनी प्रॉपर्टी को ये एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया। अब एचयूएफ को ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद इसका पार्टीशन हो गया। पार्टीशन आप समझते हो ना, बंटवारा हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी इसने ट्रांसफर करी थी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से, ये पार्टीशन हो गई। चार भाई थे, चारों भाइयों में ये पार्टीशन हो गई और ये वाला पार्ट जो था ये इस मेंबर के हिस्से में आ गया। यहां पर क्या होगा, ये जो मेंबर है और इस मेंबर का जो स्पाउस है, ठीक है, इस मेंबर का जो स्पाउस होगा, उस स्पाउस की इनकम इस मेंबर में इंक्लूड करी जाएगी, ना कि इन लोगों की इनकम। जैसे आप समझ रहे हो ना, अभी जो मैंने पहला वाला केस आपको बताया था उसमें क्या था कि इस मेंबर ने ये लैंड खरीदा और इस लैंड को एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया। अब इस लैंड से होने वाली कोई भी इनकम जो एचयूएफ को हो रही है, वो पूरी की पूरी इनकम इस पर्सन की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। दूसरे वाले केस में मैंने आपको बताया कि ये जो लैंड यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था, इसका बंटवारा हो गया एचयूएफ में, बाद में इसका पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन होने के बाद चार हिस्से इसके बटे, जिसमें से ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा इस मेंबर को मिला, ठीक है, और बाकी के जो हिस्से थे वो बाकी के मेंबर्स को चले गए। तो जो बाकी के मेंबर्स को चला गया उससे अब हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इस मेंबर को मिला और इसके स्पाउस को मिला। तो इसके स्पाउस का जितनी भी इनकम होगी इस वाले हिस्से में, वो पूरी की पूरी इनकम इसी मेंबर की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, वेयर सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली पार्टीशन, द इनकम फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल विल बी इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल हु हैज कन्वर्टेड द प्रॉपर्टी इवन आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद भी जो उस पर्सन का स्पाउस होगा, उस स्पाउस के हाथ में मतलब हिस्से में जितना भी प्रॉपर्टी आएगी, उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम उसी मेंबर के इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी, चाहे पार्टीशन होने के बाद भी। इसके बाद 10th पॉइंट है जिसमें बोल रहे हैं बेनामी ट्रांजेक्शन। अब बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था और मेरे घर में एक सर्वेंट काम कर रहा था। मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी परचेज करी जिसका पैसा मैंने दे दिया, लेकिन मैंने इसका रजिस्ट्रेशन जो था वो अपने सर्वेंट के नाम पे करवा दिया ताकि मेरे ऊपर रेड वेड ना पड़े। तो ये क्या होता है, एक तरीके का बेनामी ट्रांजेक्शन होता है, जहां पर जो बेनिफिशियल ओनर है वो अलग होता है और जो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी वो अलग पर्सन होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में भी आपको दिया गया, अ प्रॉपर्टी इज परचेज एंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स के नाम पे वो जो प्रॉपर्टी थी वो रजिस्टर्ड थी। हाउएवर इट इज मिस्टर वाई हु एक्चुअली पेज फॉर द सेम, मतलब मिस्टर एक्स के नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी, उन्हीं के नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसका पेमेंट जो था वो किसने किया, मिस्टर वाई ने किया। मिस्टर एक्स ओनली अग्रीज टू होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर वाई, दिस मेक्स मिस्टर वाई द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो एक्चुअल में पेमेंट कर रहा है उस प्रॉपर्टी का, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर, और जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी हमने इमेजिनरी ऐसी रजिस्टर करवा रखी है उसको हम बोलते हैं बेनामीदार। तो ये इस तरीके के ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिखी, बेनामी ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन इन विच प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू वन पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन पेड और प्रोवाइडेड बाई एनदर पर्सन। प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू वन पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन पेड और प्रोवाइडेड बाई एनदर पर्सन। इसके बाद में यहां पर बोल रहे हैं एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, विच हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन इज अ बेनामी प्रॉपर्टी। दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। ये होती है हमारी बेनामी प्रॉपर्टी, और बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन को हम लोग बेनामी ट्रांजेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 3 पॉइंट देंगे, पहले पॉइंट में यहाँ पर बोला है वेयर अ प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट अंडर अ फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस नेम मतलब कि एक तरीके का इमेजिनरी नेम, ठीक है, कोई पर्सन था ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने प्रॉपर्टी जो थी वो मिस्टर रामू के नाम पे रजिस्टर हुई। अब मिस्टर रामू जो थे वो एचओएल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, फिक्टिशियस नेम पे आपने उठा करके रजिस्टर करा दिया, तो ये क्या हुआ, ये फिक्टिशियस नेम हुआ, जो पर्सन एचओएल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोल रहा है
वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज नो नॉलेज और डिनाइज हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी। आपने मिस्टर ए के नाम पे, मान लीजिए कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए के नाम पे रजिस्टर करा दी, जो कि मेरे पड़ोसी थे। अब मिस्टर ए को पता ही नहीं, मैंने उनके फर्जी साइन एक तरीके से बना करके ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे रजिस्टर करवा दी, और मिस्टर ए को पता ही नहीं कि उनके पास में कोई प्रॉपर्टी ऐसी है ही भी। और अगर उनको पता चला तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि भैया मुझे पता ही नहीं था इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक तरीके का बेनामी ट्रांजेक्शन हुआ। सी पॉइंट में यहाँ पर बोले वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज अनट्रेसेबल और फिक्टिशियस, यानी कि यहाँ पर जो पेमेंट कर रहा है, जो एक्चुअल में बेनिफिशियल ओनर एक तरीके से, वही यहाँ पर फिक्टिशियस है या फिर उसको ट्रेस किया ही नहीं जा पा रहा, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन ही बोलते हैं। लास्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं इफ इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर दैट ट्रांसफर इज अ बेनामी, ही विल ट्रीट द इनकम ऑफ दैट ट्रांजेक्शन एज द इनकम ऑफ द रियल पर्सन एंड टैक्स शेल बी लेविड ऑन हिम फॉर दैट ट्रांजेक्शन, नो टैक्स शेल बी लेविड ऑन द बेनामी दार फॉर अ बेनामी ट्रांजेक्शन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आपने देखा था कि जो प्रॉपर्टी थी वो मिस्टर एक्स के नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसका पेमेंट जो मिस्टर वाई थे उन्होंने किया था, जो कि बेनिफिशियल ओनर थे। तो यहाँ पर जो असेसिंग ऑफिसर है वो मिस्टर एक्स से टैक्स का चार्ज नहीं करेगा, वो टैक्स किस पे लेवी किया जाएगा, टैक्स लेवी किया जाएगा मिस्टर वाई पे। और फाइन और पेनल्टी तो अलग से जो लगेगा वो लगेगा अगर इलीगल केस यहाँ पर साबित हो जाता है तो। इसके बाद लास्ट आता हमारा 11th पॉइंट, जिसमें बताया गया लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी के बारे में। ठीक है, ये कवर होता है अंडर सेक्शन 65। अब पूरे क्लबिंग ऑफ इनकम में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि जो पर्सन ए है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी असेट या फिर इनकम ट्रांसफर कर देता है बी को, ठीक है, तो ए को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरर और बी को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांसफरिंग। तो यहां पर क्या होता है कि बी की जो इनकम हो रही है उस असेट से, प्रॉपर्टी से, वो वापस इंक्लूड कर दी जाती है किसमें, ए की इनकम है। यानी कि टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, टैक्स का पेमेंट यहां पर करेगा पर्सन ए, लेकिन अगर पर्सन ए मना कर देता है टैक्स का पेमेंट करने से तो फिर क्या होगा, ये टैक्स का रिकवरी किससे होगी, पर्सन बी से, यानी कि ट्रांसफरी से। तो ये होती है लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी। जैसे कि यहां पर अगर आप एग्जांपल में देखेंगे तो इसमें बोल रहा है सपोज ए ट्रांसफर्ड हिज असेट टू बी फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए ए ने अपने असेट को बी को ट्रांसफर किया था। तो अगर किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए अगर ट्रांसफर किया जाए तो वो क्या होता है, रिवोकेबल ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था ना, तो रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ एक तरीके का। इनकम फ्रॉम द असेट विल बी रिसीव्ड बाय बी बट इट विल बी क्लब्ड इन एज हैंड एज इट इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर, हेंस द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑफ ए, जो कि ट्रांसफरर था। बट इफ इट डजेंट पे इनकम टैक्स ऑन इट देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन रिकवर इट फ्रॉम बी ट्रांसफरी ऑल्सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65। तो सेक्शन 65 के प्रोविजन के हिसाब से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रिकवरी कर सकता है किससे, ट्रांसफरी से, अगर ट्रांसफरर टैक्स का पेमेंट करने से मना कर देता है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस का कुछ अलग से मतलब नहीं होता, जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि पर्सन ए और पर्सन बी वाली, ठीक है, पर्सन बी को अगर इनकम हो रही है तो वो इनकम पर्सन ए की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी, लेकिन इनकेस अगर पर्सन बी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो ये लॉस भी जो है वो पर्सन ए की इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब ये जो पर्सन ए है ये इस लॉस का क्या कर सकता है, इसको सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इसको कर सकता है। तो ये कुछ ही केसेस में होता है, जैसे सेक्शन 64 में जितने भी आपके केसेस दिए उनमें से कुछ स्पेसिफाइड केसेस होते हैं, उन्हीं में ये ट्रीटमेंट ऑफ लॉस वाला जो केस है ये कवर होता है, बाकी के किसी में नहीं होता है। ये जो पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम वाला पार्ट था ये हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया। कहीं पर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करने वाले डीम्ड इनकम्स के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।